शादी की पहली रसोई में मीठे के रूप में कई जगह खीर बनवाई जाती है, तो परफेक्ट खीर बने नई दुल्हनों के लिए आज मैं रेसिपी लेकर के आई हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बने ताकि घर के मेंबर्स जितने हों उस हिसाब से आप मेजरमेंट सीख लें और कम न पड़े, मीठापन भी इसमें प्रॉपर हो। तो आइए रिश्तों को मीठा बनाने के लिए हम पहली रसोई के लिए खीर बनाना सीखेंगे, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो आइए झटपट से ये रसोई के लिए मीठे के रूप में खीर बनाना सीखें। नमस्कार दोस्तों, किरण की रसोई से मैं आप सभी का स्वागत है। नई रसोई के लिए आज हम मीठे में खीर बनाएंगे। तो खीर के लिए हम 2 टेबल स्पून चावल को आधे से 1 घंटा भिगो के रखेंगे, और अगर आपके पास छोटे टुकड़े वाले चावल है तो और भी अच्छा, और अगर आपके पास साबुत चावल है या पोना चावल है तो इस तरीके से जब हमने आधे से 1 घंटा भिगो दिया तो हम इस तरीके से रगड़ेंगे। या तो आप इसको मिक्सी में हल्का सा क्रश कर लें, या भिगने के बाद वैसे ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो इनको हम हाथों से इस तरीके से रब करेंगे कि ताकि इसका चूरा हो जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने चूरा कर लिया है, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसे भी हम हटा देंगे। बनाने के लिए भी आप कोई भारी तले का बर्तन ही यूज करें। मैंने ये कढ़ाई ले ली है, आप कोशिश करें थोड़ा चौड़ा बर्तन होगा तो हमारी खीर जो है अच्छी रबड़ीदार बनेगी, दूध अच्छा सा उसमें रड़ेगा और गाढ़ा होगा और मलाई भी आएगी। सकड़ा बर्तन होगा तो उसमें जो टेक्सचर हमें रबड़ी वाला चाहिए वो आने में थोड़ी दिक्कत करती है। तो कोशिश करें आप चौड़ा भगोना ही लें। आप खीर नीचे चिपके नहीं इसके लिए 2 उपाय कर सकते हैं। एक तो आप इसमें अच्छा वाला दूध यूज करेंगे अच्छी खीर बनाने के लिए, दूसरा आप जिस बर्तन में बना रहे हो उसमें 1 से 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं अलग तरीके से बता रही हूँ ताकि खीर में खुशबू भी आए। तो 1/2 टीस्पून में घी रखूंगी इसमें। इस घी को हम मेल्ट होने देते हैं और सब तरफ लगा लेंगे पूरी कढ़ाई में। खीर आपकी अच्छी खुशबूदार बने और नीचे चिपके भी नहीं और अच्छा रबड़ी जैसा टेक्सचर आए, तो अब हमने ये घी हमने इसमें पूरा फैला दिया है और हल्का गर्म भी हो गया। इसमें हम अपने ये चूरा किए हुए चावल डाल देंगे और इसको हल्का सा हम सेक लेंगे, आंच कम रखेंगे, 1/2 से 1 मिनट तक हम इसको सेक लेंगे, इससे अच्छे से खुशबू आएगी। और आज जिस मात्रा में हम खीर बना रहे हैं वो 4 से 5 जनों के लिए काफी है, तो आप ये मेजरमेंट ध्यान में रखेंगे। तो हमने 2 टेबल स्पून चावल लिए हैं 1/2 लीटर फुल फैट क्रीम दूध के लिए। तो चावल जो है अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो खीर का टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा, और कम चावल होंगे तब भी मजा नहीं आएगा। तो आप 2 चम्मच को भी खाने वाला ले लें जो टेबल स्पून के बराबर हो। तो ये चावल हमारे अच्छे से सिक गए हैं इसमें। अब इसमें हम फुल फैट क्रीम दूध कच्चा ही डालेंगे, 1/2 लीटर डालेंगे। तो अब इस दूध को हम गर्म होने तक थोड़ा सा चलाएंगे, क्योंकि गर्म चावल है इसमें दूध फटने के थोड़ा सा चांस रहता है, तो आप कोई रिस्क ना ले। तो बस थोड़ा सा 1-2 बार हम चला लेंगे, दूध को हल्का गर्म होने देंगे ताकि कोई चावल के लम्स भी इसमें ना रहे। तो दूध हमारा हल्का गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा हम केसर डालेंगे, केसर से काफी अच्छा टेस्ट आएगा, ऑप्शनल है। इसी टाइम हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर या 5 से 6 कुटी हुई इलायची डाल देंगे। इस टाइम इलायची डालने से क्या होगा कि केसर और इलायची का टेस्ट जो है चावल के अंदर तक जाएगा, चावल इसी खुशबू के साथ पकेंगे तो काफी अच्छा आपका खूब अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये एक आज की रेसिपी की एक नई ट्रिक है कि आपको खुशबूदार खीर बनाने के लिए चावल में पहले ही इलायची और केसर डाल देनी है, तो चावल के अंदर तक खुशबू जाएगी तो खीर खाने में बहुत अच्छी लगेगी। और अब इसको हम चला रहे हैं, 1 उबाला आने देते हैं इसमें। तो देखिए अब 1 उबाला आ गया है, और अब इसको हम कम आंच पर धीमे धीमे चावलों को पकने देंगे, आंच बिल्कुल तेज नहीं करेंगे। चावल तो पक जाएगा लेकिन दूध का जो रबड़ी वाला टेक्सचर है वो कम आंच करने से ही आएगा, तो चौड़ा बर्तन है इस पे मलाई भी आएगी और हमारा चावल भी अच्छे से पकेगा। तो इसको कम आंच पर हम पकने देते हैं। तो देखिए हमारे चावल जो है अच्छे से पक गए हैं, और दूध में चावल का जो मेजरमेंट परफेक्ट होने से इस तरीके की खीर हमारी बनती है कि हमारा दूध भी अलग अलग नहीं हो रहा और एकदम से चावल भी ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, काफी अच्छा टेक्सचर रबड़ी जैसा लग रहा है। और देखिए इस तरीके से आप हाथ से चावल को एक बार चेक कर लीजिए, अच्छे से मैश हो रहा है, इसका मतलब हमारी खीर तैयार है। और अब इसमें हम मीठा डालेंगे, तो मीठा डालने के लिए हम 2 टेबल स्पून चीनी डालेंगे, यानी जितना आप चावल ले रहे हैं उसी के बराबर आप शक्कर लेंगे, ये आपका परफेक्ट मेजरमेंट है ताकि जितना चावल मीठा हमें चाहिए वो बराबर लेने में बराबर बैठता है, क्योंकि दूध में हल्का मीठापन पहले से होता है और चावल का जो मीठापन है वो परफेक्ट अगर होता है तो खीर हमारी बहुत अच्छी लगती है।
तो अब इसको हम 2 से 3 मिनट गाढ़ा होने देंगे। फिर से चीनी जो है अपना पानी छोड़ेगी, तो खीर देखे थोड़ी सी पतली होती है, तो इसको फिर से हम गाढ़ा करेंगे ताकि चीनी हमारी गाढ़ी हो जाए और चावल को स्टेबिलिटी दे। तो इसको हम पका लेते हैं 2 से 3 मिनट। तो 2 से 3 मिनट में हमारे खीर में गाढ़ापन भी आ गया है और शक्कर का जो टेस्ट है पूरा चावल के अंदर तक चला गया है। तो बस इस टाइम हम इसको बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसी टाइम ड्राई फ्रूट्स डाल दें या सर्व करते वक्त डालें, आप इसको ठंडा या गर्म दोनों तरीके से सर्व कर सकते हैं। इसे हम गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट खीर के लिए होता है चिरौंजी, तो इसको हम डालेंगे। थोड़े कटे हुए पिस्ता डाल देंगे, काजू बादाम की कतरन डाल देंगे। इसको आप थोड़ा सा शाही टच देने के लिए थोड़ा सा गुलाब की पत्तियों से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो आपकी शादी के बाद पहली रसोई के लिए ये परफेक्ट मेजरमेंट के साथ खीर बनकर के तैयार है। अपने जिंदगी की पहली रसोई की शुरुआत इस मीठे खीर के साथ करें ताकि आपकी मिठास घुली रहे और आपकी सक्सेसफुल रहे ये पहली रसोई। तो इस रेसिपी को एक बार बना करके जरूर देखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।